many entrepreneurs, they miss out on building a visionary company, and they don't play this role of a purely visionary role in their organization. So when we talk about entrepreneurs, they miss out on creating a visionary role for the organization, because somewhere they are so engaged, they are so deeply engrossed, so deeply engaged in what I call as favadagiri. इनको ना रोज के काम में इतने अटक जाते हैं कि इनको एक फ्यूचर के बारे में एक सुध नहीं आती, इनको एक फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी नहीं आती, समय नहीं होता उसके बारे में सोचने में, तो रोज का काम करने में. I'll share with you a few aspects of what favadagiri is. तो विजनरी कंपनी बनाने के लिए आपको वर्तमान में से, आपको रोज की मारामारी से, रोज के ये ड्रिल से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड दैट्स वॉट मेनी एंटरप्रेन्योर्स मिस आउट ऑन. सो इफ यू सी अ फ्यू पॉइंट्स नाउ, दैट एन एंटरप्रेन्योर्स रोल मस्ट नॉट, इट्स नॉट रिवॉल्व, इट्स इवॉल्व. वो एक ऊपर का रिवॉल्व की जगह इट्स इवॉल्व, उसको आर हटा दीजिएगा. सो एन एंटरप्रेन्योर्स रोल मस्ट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि उसका रोल जो है, जैसे हम बोलते हैं कि एवोल्यूशन चल रहा है, तो वैसे एक एंटरप्रेन्योर कहीं भी लाइफ में एक एवोल्यूशन आना चाहिए. व्हाट ही स्टार्टेड ऑफ एज, कि जब उसने बिजनेस चालू किया तो सारा काम खुद देखता था, जब बिजनेस चालू किया तो वो सेल्स भी खुद करता था, इनवॉइस भी खुद बनाता था, रिकवरी भी खुद करता था, प्रोडक्शन भी खुद करता था, पैकेजिंग भी खुद करता था, डिलीवरी भी कभी कभी खुद कराता था, एंड दैट्स व्हाट ही वुड डू, बिकॉज अकेला था, नया था. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने टीम बिल्ड करी, तो किसी ने फिर प्रोडक्शन संभाला, किसी ने फिर सेल्स संभाला, किसी ने फिर अकाउंटिंग संभाला, किसी ने रिकवरी संभाली, एंड दैट्स हाउ द होल रोल रिवॉल्व फ्रॉम डूइंग थिंग्स टू मैनेजिंग थिंग्स, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम मैनेजिंग थिंग्स टू लीडिंग थिंग्स. ऐसा एक एवोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अक्सर एंटरप्रेन्योर जो है इसको मिस कर जाते हैं. दे मिस आउट फ्रॉम डूइंग थिंग्स टू टीचिंग अदर्स हाउ टू डू इट. ये मिस हो जाता है उनका. दे मिस आउट ऑन प्रिस्क्राइबिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, कि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए ये देने से वो चूक जाते हैं. दे मिस आउट ऑन दैट. दे मिस आउट ऑन मैनेजिंग द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्क इज डन, कि वो काम कैसे होना चाहिए, उस काम को वो पूरा एक रूपरेखा देने से चूक जाते हैं. वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ कल्चर, वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग वैल्यूज, वो मिस कर जाते हैं बिकॉज दे आर सो एंगेज्ड इन रोज की फावड़ागिरी. सो इफ यू वुड सी, every entrepreneur should seek an increasing impact from what they do. कि आप जो काम कर रहे हो उस काम का impact बड़ा 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 होते रहना चाहिए. That's what you should seek. So entrepreneur should evolve into focusing more in formulating marketing strategies than on selling. तो वो selling में क्या होता है ना, it is a doing part, it's an immediate doing. So आप जाके माल बेचते हो, आपको ताबड़तोड़ पैसा आ जाता है, and that is so very exciting because you see the results. That is so very gratifying. आपको एकदम मजा आता है because आपको ताबड़तोड़ पैसा आ गया. तो entrepreneur वहां अटकना उसका संभव हो जाता है. एक there are very high chances of he getting stuck there. So he has to evolve from focusing more in formulating strategies to then selling. He has to focus more on negotiating and reviewing budgets rather than directly supervising work. तो सुपरवाइजर आप काम करते हो तो इसको डांटो, उसको डांटो, इसको ठीक करो, उसमें बड़ा मजा आता है बिकॉज यू फील मैं कुछ कर रहा हूं. यू फील देखो मेरे कमांड में चीजें हैं, मेरे कंट्रोल में चीजें हैं. लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेगोशिएटिंग, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिव्यूइंग. तो आपको रिव्यू करना है, आपको नेगोशिएट करना है. दैट्स वेयर यू एक्चुअली सेव लॉट ऑफ मनी. दैट्स द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस. तो हम वो मिस करते हैं बिकॉज हम सुपरवाइजरी रोल प्ले कर रहे होते हैं. हमें इवॉल्व करना है टू डिजाइनिंग इंसेंटिव प्लान्स, लेकिन हम कहां खोए होते हैं, इसकी सैलरी फिक्स करो, उसकी पगार फिक्स करो, उसकी पगार में क्या होने वाला है. तो हम एक बड़े लेवल पे कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज करें, हम वो मिस कर जाते हैं. एंटरप्रेन्योर्स मिस आउट ऑन दिस. आई एम लीडिंग यू टू समथिंग, मेरे साथ आप रहो, आई एम लीडिंग यू टू समथिंग. तो हमारा इंपैक्ट जो है ना लगातार बढ़ते रहना चाहिए. उसके लिए जरूरी है कि हम नेगोशिएशन में आए, हम देखें हम किस किस कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन हम जो है माल कितने में आया, कितने में खरीदा, कितने में हमने कॉस्टिंग कम करी, हमारा ध्यान उसमें. मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें ध्यान मत दो, लेकिन किसी और को ध्यान लगाने को लगाना. यू शुड बी ऑन बिगर थिंग्स, यू शुड बी ऑन सीइंग हाउ आई कैन मूव ऑन टू बिगर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. लेकिन हम वो मिस कर जाते हैं. सो वी मिस आउट ऑन डेवलपिंग अ कॉमन पर्पस एंड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज. बिकॉज हमारा ध्यान कहाँ होता है, हमारा ध्यान होता है कि माल निकला कि नहीं निकला, माल डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, माल बिका कि नहीं बिका. हम छोटे मुद्दों पर अटक जाते हैं और बड़े मुद्दे हमारे हाथ से निकल जाते हैं. इनफैक्ट अगर मैं सबको समराइज करूं, वी सिंपली मिस आउट ऑन बिकमिंग अ कोच
बिकॉज वी आर अ प्लेयर. तो हमारा प्लानिंग होना चाहिए कि हमें इवॉल्व करना है फ्रॉम अ खिलाड़ी टू बिकमिंग अ कैप्टन टू बिकमिंग अ कोच. तो बहुत सारे लोग तो कैप्टन भी बन नहीं पाते. वो नाम के कैप्टन होते हैं धोनी, लेकिन वो सारा काम कर रहे होते हैं राइट फ्रॉम वॉचमैनगिरी टू एवरीथिंग एल्स दे आर डूइंग. तो मेरा आपसे क्या कहना है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैंने पहले बातें करी, जो अभी बात करूंगा, ये तभी कनेक्ट हो पाएंगी हमें अगर हम ये समझें कि हमें इवॉल्व करना है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो चीजों का होना बड़ा जरूरी है, एक उसका ऑपरेशंस, उसका रोज का काम, और दूसरा उसका फ्यूचर. ये दोनों चीज होनी जरूरी है, हिज प्रेजेंट एंड हिज फ्यूचर दोनों का होना जरूरी है. इफ आई वुड गिव एन एनालॉजी, इमेजिन करो कि एक आदमी स्विमिंग पूल पे कूद मारता है, सो ही जंप्स इन अ पूल एंड वो जाता है पानी के अंदर और वो पानी के अंदर से बाहर निकलता है. जब वो बाहर निकलता है पानी के, तो वो हाथ पर मारता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टे अफ्लोट, थोड़ा पानी के ऊपर आना चाहता है. तो जब पानी के ऊपर आना चाहता है और वो पानी के ऊपर आ जाता है, देन ही इज कंफर्टेबल देयर ऑन टॉप ऑफ द वॉटर. तो वो देखता है मुझे कौन से कोने पे जाना है, कौन से साइड पे जाना है स्विमिंग पूल के, और वहां वो आंखें सेट करता है और वहां जाने के लिए फिर वो अपने एक्शंस को चेंज करता है. नाउ ही यूजेस फ्रंट स्ट्रोक, नाउ ही यूजेस ब्रेस्ट स्ट्रोक, ही यूजेस यू नो फ्री स्टाइल ऑफ स्विमिंग. वो कुछ भी करता है, हाथ पैर जो उसके समझ में आते हैं वो मारता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन विच ही हैज चोजन. ना पहले वो अफ्लोट हुआ, पानी के ऊपर आया, और फिर वो पानी के ही स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड. सेम इज द केस विद बिजनेस, दैट यू गॉट टू स्टे अफ्लोट एंड ऑल्सो यू गॉट टू मूव फॉरवर्ड. दोनों एक्शन जरूरी है एक बिजनेस के अंदर. बट अक्सर एंटरप्रेन्योर क्या करता है अनजाने में, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, आई एम जस्ट सेइंग अनजाने में क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर वो पानी के में वो बिजनेस में जंप मारता है, मतलब स्विमिंग पूल में जंप मारी उसने, तो जंप मार के फिर वो अपने आप को सर्वाइव करने के जब ढूंढता है लक्ष्य, तो वो पानी के ऊपर आता है, थोड़ा माल बेचता है, थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, थोड़ा लोग रखता है, उनकी सैलरी निकाल लेता है, एंड देन ही स्टार्टेड. वो उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, अपने हाथ पर मारते रहता है. उस हाथ पर मारने से ही रीचेस समवेयर और उसको लगने लगता है यही बिजनेस है कि मैं पानी के ऊपर आऊं और हाथ पर कैसे भी मारूं. तो यहीं पर वो अटक जाता है. ही इज मोर इनटू कीपिंग हिमसेल्फ अफ्लोट, ही इज नॉट फोकसिंग ऑन दैट ही शुड आल्सो मूव टू अ मीनिंगफुल डेस्टिनेशन और अ डायरेक्शन. यहां अटक जाता है. तो ही मिसेस ऑन बीइंग अ कोच, ही कीप्स ऑन बिकमिंग स्टेइंग अ प्लेयर. तो जो आज हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइजिंग एंड एग्जीक्यूशन. तो स्ट्रेटेजाइजिंग इज दैट फॉरवर्ड मोमेंटम, स्ट्रेटेजाइजिंग इज दैट आगे का हाथ मारना, इट इज दैट आगे का पुश मारना कि अभी अफ्लोट तो है लेकिन हमें ग्रोथ भी तो चाहिए, हमें आगे बढ़ना भी तो है, हमें बड़ा बिजनेस भी तो करना है, हमें पैसा भी तो कमाना है. तो वो कहां से आएगा? इट विल ओनली कम व्हेन वी स्ट्रेटेजाइज, व्हेन वी एंड वी एग्जीक्यूट व्हाट वी हैव स्ट्रेटेजाइज्ड.